और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ, इनके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है जो मॉब लिंचिंग के अंदर जो लोग शहीद हुए हैं उनके फैमिली से मुलाकात करने के लिए? आप हाथरस के अंदर 127 लोग जो डेथ हुई वहां पर आप जाकर मुलाकात किए, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, हर पॉलिटिशियन को ये करना चाहिए, लेकिन आप क्या इंसाफ कर रहे हैं मुसलमानों के साथ? जो मुसलमान जो कितने लोग यहाँ पर शहीद हुए और कितने मसाजिदों को यहाँ पर शहीद किया गया और कितने प्रॉपर्टीज को यहाँ पर डिमोलिशन किया जा रहा, लेकिन किसी पे किसी के घर को ना कांग्रेस पार्टी गई, ना कांग्रेस के लीडर्स गए और ना ना नाम यहाँ जो शायर बनकर शायरी करते फिरते हैं इमरान प्रतापगढ़ी, ना वो गए। कितनी शर्म की बात है ये। तो इसीलिए यहाँ पर हम SDP वाले कहना चाहते हैं कि आपके लिए सबसे बेहतरीन अगर अल्टरनेटिव है जो आज के लिए जो आपके लिए जो आवाज उठा रहा है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, SDPI का आप साथ देना है, SDPI के साथ कंधे से कंधे खड़े होना है। अगर आपके घर पे अगर बुलडेजर आएगा तो सबसे पहले अगर बुलडेजर चलेगा तो SDPI के कैडर के ऊपर से चलेगा, तब तक बुलडेजर नहीं चलेगा, मैं आप लोगों को ये वादा करता हूँ। और अगर मॉब लिंचिंग के लिए अगर ये जो आतंकवादी, ये जो हिंदुत्ववादी, ये जो टेररिस्ट जैसे लोग, जो संघ परिवार के लोग अगर मॉब लिंचिंग के लिए आपके सामने अगर आएंगे तो उस वक्त SDPI आपके सामने खड़ा होगा और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इंशाल्लाह करेगा। आज इंडिया के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने लिंचिंग के नाम पे जो जुल्म हो रहा उसके खिलाफ एक देश भर में एहतजाज करने का प्लान किया। इसी तरीके से कर्नाटक में भी एक स्टैंड लिया पार्टी ने कि हम तमाम डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोटेस्ट करेंगे। मैं आपको एक चीज़ वाजे तौर पे बताना चाहता हूँ, इंडिया भर में लोगों को लिंचिंग का मतलब, मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता बोले तो, मॉब लिंचिंग एक आदमी कुछ इंसिडेंट कर रहा था, कुछ लोग जमा होकर उसके ऊपर हमला करे उसको मारे, यानी कि मॉब लिंचिंग, अचानक कुछ लोग जमा होकर मारे, इसको मॉब लिंचिंग बोलते हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब लगता है ये मॉब लिंचिंग नहीं है, ये वेल ट्रेंड आतंकवादियों का एक ग्रुप है जो पूरे इंडिया में काम करता है। वो आतंकवादियों को ग्रुप को अगर आइडेंटिफाई करना है बहुत आसान तरीका हमारे इंडिया में है जो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर काम होता है वो। मॉब लिंचिंग के अंदर कौन इन्वॉल्व हुआ, कौन उसको ऑर्गेनाइज करा, कौन उसको अटैक करा, कौन उसकी जान लिया, अगर ये निकालना चाहती है तो इसके लिए कोई बड़ा काम नहीं है इंडिया की गवर्नमेंट के पास, क्योंकि दो एजेंसी सीधे सीधे सामने काम करते हैं, एक स्टेट इंटेलिजेंसी एक सेंट्रल इंटेलिजेंसी। अगर समझो कहीं कुछ क्राइम होता है वो 24 घंटे के अंदर ये लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ये सरकार है और ये पॉलिटिशियन की साठगांठ जो है BJP की और ऑल इंडिया पार्टीज की जो है ये साठगांठ इसको मॉब लिंचिंग का नाम देती है। ये मॉब लिंचिंग नहीं हो सकती, वेल ऑर्गेनाइज टेररिस्ट गुंडे है जो टारगेट कर लोगों को मारते हैं। तो हमारा एक क्लियर आप लोगों को कहना है, खासकर हम कर्नाटक में हैं तो कर्नाटक की गवर्नमेंट तो ये चाहते हैं कि इस तरीके से जो भी ऑर्गेनाइज होकर अगर काम करते हैं तो उनके खिलाफ एक कर्नाटक की गवर्नमेंट एक्शन लेना है। अगर आने वाले टाइम पे इस तरीके के अगर हम लोगों को यहाँ की गवर्नमेंट अगर कुछ मूछने का कुछ छुपाने का काम करती है तो उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ, 1 तारीख की शाम में गुलबर्गा से 15 किलोमीटर दूर इडगा गाँव होता है जो यूनिवर्सिटी पुलिस लिमिट्स में आता है, वहाँ पर रात में 11:30-12 बजे के टाइम पे DJ लगाकर नाचा जाता है। एक पर्टिकुलरली टीपू सुल्तान चौक के तरफ गंदे गंदे इशारे कर वो एक माहौल बनाकर काम किया जाता है। तो वहाँ के कुछ नौजवान उन लोगों को वक्तिया रात का टाइम रहता है बर्दाश्त करते हैं, सुबह जब इनको बुलाकर बात करते हैं तो ये लोग आपस में लड़ते हैं एक दूसरे को। लड़ने के बाद ये रूरल का MLA मत्तमुड़ और ये संघ परिवार के जो काम करने वाले बजरंग दल के जो लोग हैं ये लोग मिलकर जाकर वहाँ पर एहतजाज करते हैं, गुलबर्गे का तिम्मापुरी सर्कल पे एहतजाज करते हैं और उसी तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट पे ये दबाव बनाते हैं कि वो हिंदुओं ने मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर राम का गाना बजाने पर किया है,
एक्चुअल वो नहीं है, उसका फॉल्ट अलग है। रात में शादी को इतने रात में क्यों बजा रहे बोलकर उनका पूछने का कसूर है। अगर यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट सही काम करता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। और मैं यहाँ के डिपार्टमेंट को एक चीज क्लियर बताना चाहता हूँ, ऐसे जिला ही सदर मैं तकरीबन 3 साल से जिम्मेदारी में हूँ, 2010 से भी जिम्मेदारी में हूँ। जब कभी भी SDPI एक प्रोटेस्ट करने के बारे में पूछती है, इनके 50 सवाल SDPI के ऊपर आते हैं। 8 तारीख को हम लोग एक मुस्लिम चौक के अंदर 2 घंटे का एक पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं बोलकर हम पूछते हैं। तो हमारे को पुलिस डिपार्टमेंट से आज 12 बजे एक लेटर आता है, वो लेटर पे बोलते हैं साइन करो। क्या है, आज आप प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, पोस्टपोन कर रहे। अरे क्यों भाई, सारी चीज हम आपको पूछ कर करना है क्या? और कल जाकर मिलकर माइक परमिशन पूछते हैं। आज ये छोटा माइक ये जो यूज करने की हमारी हालत क्यों है, ये डिपार्टमेंट जानबूझकर ऐसे चीजों को लोगों में अवेयरनेस होने देना नहीं चाहता। और ये कांग्रेस सरकार इन्वॉल्व है, यहाँ पे प्रियंका खड़गे साहब इंटरनल कुछ मैसेज दिए हैं कि SDPI को दबा के रखना ताकि मुसलमान लोग कांग्रेस से खिसक ना जाए। आने वाले टाइम पे मैं क्लियर आप पुलिस डिपार्टमेंट को बोलना चाहता हूँ, हम आपको कोऑपरेट कर काम करना चाह रहे हैं। अगर आने वाले टाइम पे आज जैसा सताया गया, अगर वैसा सता कर आप कोशिश करेंगे, हमार को आपसे प्रॉब्लम करना नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम पे ऐसा सताएंगे फिर यहाँ पर क्या होगा, इसके जिम्मेदार गुलबर्गा की पुलिस डिपार्टमेंट ही रहेगी। ये एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सैयद दस्तगीर मेरा क्लियर मैसेज है डिपार्टमेंट। आप दोनों नेशनल न्यूज चैनल से जी शुरू करूं? ये जो खड़ा था ना इनको भी थोड़ा बोलने दे। जी शुरू करें। देखें लाइए 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 हो गया। और किसी को देना है? नहीं। देखिए ऐसा है, लोकसभा इलेक्शन के बाद से तो हिंदुस्तान जो है वो दुनिया में पूरी सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट की जो अचीवमेंट्स हैं और जो कंट्रीब्यूशन है, गैर इंसानी कंट्रीब्यूशंस और इनकी अचीवमेंट्स इन क्राइम एंड करप्शन, वो पूरा मुल्क देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। खास तौर से लोकसभा इलेक्शन के बाद से बीजेपी बहुत खुल के आ गई है अपने उन विंग्स के साथ जिनको हम बोलते हैं गुंडे, ठीक है ना। ये आपके बजरंग दल हो कि आपके RSS की और जो भी VHP वगैरह हो, कि इन्होंने एक नया खेल शुरू कर दिया है। अब मैं समझती हूँ आने वाले दिनों में ओलंपिक्स में ये गेम जाएगा इंडिया की तरफ से, ये इंडिया का नेशनल गेम होगा लिंचिंग। खास तौर से मुसलमान हर तरीके से अंडर अटैक है, दाढ़ी हो तो अंडर अटैक, टोपी लगाए तो अंडर अटैक, और मुसलमानों की औरतें हिजाब पहनती तो अंडर अटैक, घर भी अंडर अटैक, मस्जिद अंडर अटैक, मदरसा अंडर अटैक, हमारा खाना पीना, यहाँ तक कि हमारे फ्रिज वो भी अंडर अटैक है। घरों से फ्रिज लेके जा रहे हैं ये देखने के लिए कि फ्रिज में हमने क्या छुपा रखा है। शर्म की बात है, इतनी नीच हरकतें और इस तरह की जालिमाना हरकतें अब तक इंसानी तारीख में नहीं हुई, जो ये नई अचीवमेंट्स अब लोकसभा इलेक्शन के बाद से बीजेपी दिखा रही है। क्योंकि हमारा साफ मानना है बगैर किसी बैकअप के खुले आम दिन की रोशनी में ऐसी गुंडागर्दी को नहीं की जा सकती। तो चूंकि ये जो खेल खूनी खेल हिंदुस्तान की सरजमीन पे खेला जा रहा है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है,
कई स्टेट्स में एस्टैब्लिश पार्टी है, इंसानियत होने के नाते, क्योंकि हम दलित के लिए आवाज उठाते हैं, क्रिश्चियंस के लिए उठाते हैं, हम हर गैर इंसानी हरकत के लिए आवाज उठाते हैं, हमारी जिम्मेदारी है हिंदुस्तानी होने की हैसियत से, ये हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हम इन लिंचिंग्स के खिलाफ आवाज उठाएं। तो सबसे पहले सीधे सीधे बीजेपी को सवाल है कि ये बंद होना चाहिए, और नहीं बंद होता है तो फिर क्या? तो फिर यही किसी तरह के आप देखेंगे कि प्रोटेस्ट जारी रहेंगे, क्योंकि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम नहीं रुकेंगे। कोई भी ऐसी हरकत जो हमें लगती है कि इंसानियत के खिलाफ है, उस पर आवाज उठाई जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, वो ठेकेदार पार्टी कांग्रेस कहाँ है? मुसलमानों के ठेकेदार बने फिरते हो, सेक्युलरिज्म का जो नकाब ओढ़े हुए हो, कहाँ हो तुम लोग? मुसलमानों से वोट बटोर बटोर के, मुसलमान लंबी लाइनों में लग लग के, ये जो बेशर्मों की तरह कांग्रेस को वोट दिया गया है, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ हो? आज क्यों सांप सूंघ गया तुम लोगों को? आवाज नहीं उठाते तो तुम काहे के लीडर? तुम्हारी पार्टीज अगर ये गैर इंसानी हरकतें हो रही है मुल्क में, इनके खिलाफ बात नहीं करते पार्लियामेंट में? अब तो 50-50 तकरीबन हो गया ना। हाँ, इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा इलेक्शन में चुन के गए पार्लियामेंट में, अब उठाओ ना आवाज, अब तुम्हारे को मौका मिला है, लेकिन ये नहीं उठाएंगे। क्योंकि जो 2014 से बीजेपी कर रही है, 2014 से पहले तक वो कांग्रेस करती आई है, और कांग्रेस बराबर खामोश रह के साइलेंटली इनका साथ दे रही है। सवाल दोनों से है, बीजेपी से और कांग्रेस से। और दूसरी बात, हम किसी पॉलिटिशियन पे डिपेंड नहीं है, ए मुल्क की जमीन, यहाँ का आसमान, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता इनको प्रैक्टिस करने से। और किसी को बोलना है? किसी को नहीं है। स्लोगन है, स्लोगन का विजुअल है। एक मिनट, बाकी क्या?